सो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉगिंग वीडियो। ओके ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। और जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आज का ब्लॉग किस पे, टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो आज हम जा रहे हैं संडे मार्केट, और आज संडे है तो मेरे दोस्त ने मेरे को ब्लॉग का एक आइडिया दिया, और मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग किया भी नहीं था। दोस्त ने मेरे को आइडिया दिया कि ब्रो आज संडे मार्केट है, और संडे मार्केट को एक जगह पे मार्केट लगता है जहाँ पर कुछ सी चीज़ें मिलती हैं एंड कपड़े मिलते हैं। तो उधर है ना, लड़कियाँ कपड़े लेने आती हैं, और आप जैसे कि सब देखते होंगे कि लड़कियाँ बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है एंड शॉप मारती है कि मैं ज़ारा से लेके आई हूँ, H&M से लेके आई हूँ, कहाँ कहाँ से मॉल में से लेके आई हूँ, शोरूम से लेके आई हूँ। तो आज हम वही लड़कियों को एक्सपोज करने वाले हैं, एक्चुअल में वो कपड़े कहाँ से लेती है आज हम वही बताने वाले हैं आपको। और मेरा दोस्त अभी, मैं और मेरा दोस्त निकल चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो। सो वही, सो चलते हैं एंड लड़कियों को एक्सपोज करते हैं। मैं तो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, और मैं भी उस जगह पे कभी गया नहीं, अब दोनों फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो इस दोस्त ने मेरे को आइडिया दिया, सो चलते हैं गाइस जल्दी से। एंड अभी हम रास्ते में ही हैं, बस कुछ देरी का और रास्ता है, फाइनली हम पहुंच जाएंगे। सो वही, चलो चलते हैं। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं एंड स्टार्टिंग हो चुके हैं यहाँ से, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सो वही, सो देखा गाइज यहाँ से, आई थिंक यही संडे मार्केट है एंड यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहे कपड़े वगैरह, एंड कोई लड़की नहीं दिख रही हमें बाय द वे। सो चलते हैं अंदर एंड देखते हैं। गाइज सब कपड़े लेने जा रही है, ये देखो। को तो आपने देख ही लिया, इतनी खूबसूरत लड़की इधर कपड़े लेने। मेरे को तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, बिकॉज मैं इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ। जनरली गाइस मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, हैरान हो चुका हूँ। सामने मुझे एक लड़की देखी, मतलब यार सच में मेरे दोस्त ने जो भी बोला सब सच बोला, मतलब इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़की, हालांकि मेरी वाली से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, पर लिटरली कपड़े इधर लेने आती है। आज फाइनली मालूम गिर गया मेरे को। चलते हैं अंदर एंड बताता हूँ। बाय द वे अभी दोस्त गाड़ी पार्किंग करने गया है, चलते हैं अंदर। वाह क्या सीन है, जैसे कि देख सकते हो भाई, क्या देख लो जी। बताया एक दो लड़कियां तो दिखा दी मैंने आपको, एंड आगे चलो और दिखाता हूँ। लिटरली मैं सॉक्ड हूँ अभी भी भाई, थैंक्स सो इधर लाने के लिए। लिटरली मैं सॉक्ड हूँ, इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां कपड़े यहाँ से लेती है, आई कांट बिलीव गाइस। अच्छा ना, सस्ता सस्ता और अच्छा टिकाऊ। आज मालूम पड़ गया लड़कियों की रियलिटी क्या है। आगे चलो बताता हूँ। गाइस हम इधर थोड़ा घूमेंगे, फिर रिटर्न में होते वक्त हम लड़कियाँ दिखाएंगे ऑलमोस्ट। सॉरी देखा गाइस, देख लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आई थिंक यही करती होगी। लिटरली हो अपनी गर्लफ्रेंड यार, शॉपिंग करते मेरे मतलब यार तुम अपनी गर्लफ्रेंडों को साथ शॉपिंग करने ले जाया करो, वरना तुम्हारी इज्जत की माँ बहन हो जाएगी अगर किसी तुम्हारे पहचानने वालों ने पहचान लिया कि हाँ भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ से कपड़े बाई करती है। सिस्टम हो जाएगा, इज्जत की माँ बहन हो जाएगी। पचास रुपये में लेके जाती है टॉप, और बताती है हमें 50,000, 25,000, 2,500। माँ कसम।
और ऐसा ही नहीं गाइस, लड़के भी ले रहे क्या? पर लड़की भी लाइक रोला जमा है रोला। देख सकते हो गाइस, जैसे कि वो देख सकते हो कपड़े खरीद लियो, पता भी ना चल रहो। सारी लड़कियां आई है इधर, देखो गाइस कैसे कपड़ों पे मर रही, कैसे ये देख सकते हो। जैसे कि दिखा कुछ नहीं दिखा तो बैग जाओ 10 सेकेंड फिर देखो। एक्सपोज लड़कियां, सिस्टम भेगियो। आज लिटरली सारी लड़कियों की पोल खोल डालूंगा, जैसे कि अपने पीछे वाली देखा। जैसे कि अपने पीछे देखा कितनी लड़की ऐसे कपड़े उठा के मर रही है, जैसे कपड़े खा जाएंगे लिटरली। मेरे को लिटरली बहुत हंसी आ रही है सच्ची। मेरा हैशटैग अच्छा है इंस्टाग्राम पर। हाँ, यहाँ से कपड़े बाई करेंगी 50-50 के, एंड फिर इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालेगी हैशटैग ज़ारा, हैशटैग H&M, हैशटैग जूडियो, लिटरली एक्सपोज है, सारी लड़कियाँ एक्सपोज है। आज सबके पोल खोल डालूंगा, क्या बोलता ब्रो? लड़कियों का सस्ता मॉल है ये संडे मार्केट बी टाउन बेबी। लड़की को छोड़ो, लड़के कपल्स भी आए बताऊं। देखो वो ब्लू कलर की टी शर्ट बेचारा बोल के लाया होगा बेबी अपने H&M चलते हैं, या लड़की ने बोला होगा बेबी अपन चलते हैं H&M यहाँ पर आके सीन। लिटरली धोखा हो रहा है, जिसकी भी गर्लफ्रेंड यहाँ से कपड़े बाय करती है धोखा हो रहा है धोखा। देखो गाइस वो लड़का पर्सनालिटी से कितना मस्त लग रहा है, बट देखो 50-50 रुपए टी शर्ट ले रहा है। मतलब लड़कियों को धोखा मिल रहा है और लड़कों को भी धोखा मिल रहा है, मतलब कुछ भी सीन चालू है, सब सीन चालू है। ओके गाइस, मुझे अब यहाँ पर आके याद आया कि मैं इधर पहले भी आया हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर काम था तो मैं इधर पहले भी आया हूँ। तो अभी हम फाइनली रिटर्न हो चुके हैं और आगे अब बस रिटर्न हो चुके हैं। अब इस लाइन में हम चल रहे हैं, उधर ऑलमोस्ट कपड़े के ये सारे, तो इधर सारी लड़कियों को एक्सपोज करते हैं हम। एंड आज तो पता नहीं मैंने ब्लॉग में इतना कैप्चर कर पाया होगा या नहीं, बट जितना दिखाया आप देख लेना। कोई जैसे कि देख सकते हो पीछे बैठे मेरे, सो वही सो चलते हैं एंड और दिखाता हूँ मैं आपको। वो देख सकते हो पीछे एक बंदा टी शर्ट बेच रहा था 100 की दो और 50 की एक, और ऊपर से बेच रहा क्या बोलता पता है 100 की दो टी शर्ट ब्रांडेड। मैंने उधर वीडियो नहीं शूट की बिकॉज मेरा फोन मेरे जेब में था। मतलब ब्रांडेड टी शर्ट 100 में दो 50 की एक, अगे हम ही चूते बैठे यहाँ पर। पहन मारूंगा छोटा तरह सर नहीं, फिर ये जो बड़े शोरूम है ये ब्रांडेड है, ये गुच्ची हो गए, LV हो गए, फिर ये सब क्या ऐसी तैसी कराने बैठे। ओके गाइस आज का शो यही खत्म, नींबू पी के जा रहे हैं।
ओके गाइस, अभी मैं और मेरा दोस्त निकल चुके हैं एनडीए में चश्मा एक बाई करके आया। एंड इस चश्मे के पीछे एक स्टोरी है जो कि मैं नहीं बताऊंगा। ओके ऑलराइट गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 11:42। एंड गाइस, ये मैं गॉगल्स बाई करके आया। ये इस गॉगल्स के पीछे एक स्टोरी है जो कि मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज फ्यूचर में वो बंदा मेरा कभी भी ब्लॉग देख सकता है। एंड ये चश्मा मेरे को 120 में पड़ा, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड 120 के पीछे ही बहुत बड़ी एक स्टोरी है। बस चश्मा कैसा लग रहा है मुझे ये बताओ। और जो अभी एमसी स्टैंड जो इंडिया टूर कर रहा है उसमें बहुत चश्मे पहने उसने ऐसे, तो मेरे को दिख गया तो मैंने ले डाला। सो वही, एंड जैसे कि आपने देखा गर्ल्स एक्सपोज कर डाली मैंने सबको। सो हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हम किसी लड़की को हेट दें, बस मेरे फ्रेंड ने बोला कि उधर संडे मार्केट है तो लड़कियां कपड़ा बाय करने आती है। एंड वो बात सही निकले। एंड इसी भाई ने मेरे को आइडिया दिया, ये भाई ने आइडिया दिया तो जाके इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यहाँ पर आईडी आ रही होगी JJJJJ0JYYY09। और अभी कोज चश्मा भाई, पता चल गया कैसे? ना पता तो चल गया पर बताया नहीं। सो भाई, इसके वजह बहुत स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है तो नॉर्मल स्टोरी बट सीन करवा सकती है। सो भाई, सो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। और मेरा और इसकी तरफ से कोई हेट नहीं था कि किसी लड़की को हम हेट करें, बस खाली एंटरटेन के लिए हम सिर्फ बताना चाहते थे कि लड़कियां कहाँ से कपड़े लेती हैं। हाँ। और हमको बताती है कि हमने H&M से लिए, ज़ारा से लिए। हाँ, उनकी हकीकत आज तुमको पता चल गई है। हाँ, 50 रुपीज़। सो भाई, सो चलो गाइज, आज का ये व्लॉग यहीं एंड करता है। होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई नो कि ये बहुत ज़्यादा छोटा व्लॉग था, बट जैसा भी था एंजॉय करो, बिकॉज अभी मैं व्लॉग में मेरा बिल्कुल ही ज़्यादा मन नहीं लग रहा है। ये मुझे डेली गालियाँ देता है, साले व्लॉग कर, बट आज इसने मेरे को आइडिया दिया तो मेरे को बेस्ट लगा, चलो लड़की को करते हैं एक्सपोज। सो भाई, सो बाय बाय गाइस, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो वही, I hope you guys enjoyed this video. If you guys did, make sure to subscribe my YouTube channel. I'll see you guys in the next video. Till then, stay sexy, baby. Subscribe, get it out.